परिवार राज सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको यूपी के मुलायम सिंह यादव और जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार की सियासत के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि कैसे इन दोनों राज्यों की राजनीति में हमेशा से परिवार राज का बोलबाला रहा। अपने आज के इस खास एपिसोड में हम एक बार फिर यूपी चलेंगे और आपको बताएंगे राज्य के दूसरे सियासी घराने के बारे में, जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी पीढ़ी भी राज्य की राजनीति पर हावी। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार राज पर हमारी स्पेशल सीरीज। आपके साथ मैं हूं गायत्री। आज बात करेंगे चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार की। चौधरी चरण सिंह आजादी से पहले कांग्रेस में शामिल थे, आगे चलकर यूपी के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 24 दिनों के लिए। इसके अलावा वो देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो बतौर प्रधानमंत्री एक भी दिन लोकसभा नहीं जा सके, लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने करीब 5 महीने देश की कमान संभाली। हालांकि चौधरी साहब हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उनके बेटे अजीत सिंह राजनीति में आए और अब उनके पोते जयंत चौधरी का भी यूपी की राजनीति में दबदबा कायम। कभी बीजेपी को जूतिया पार्टी कहने वाले जयंत आज उसी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के नूरपुर गांव के एक जाट परिवार में हुआ। चरण सिंह महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे, लिहाजा पढ़ाई पूरी करते ही वो कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा मेरठ और उससे लगे शहरों में युवा नेता चरण सिंह अपना सीक्रेट क्रांतिकारी संगठन भी चला रहे थे। उनके विचार और भाषणों से अंग्रेजी हुकूमत इस कदर घबरा गई थी कि उन्होंने मेरठ प्रशासन को चरण सिंह को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। लेकिन किस्मत अच्छी रही, जब तक पुलिस को खबर मिलती थी क्रांतिकारी चरण सिंह अपना काम पूरा करके निकल जाते थे। आजादी के मतवाले चरण सिंह एक बार गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जब बाहर आए तो यूपी की राजनीति में उनका कद काफी बड़ा हो चुका था। 1937 में पहली बार चौधरी चरण सिंह यूपी के छपरौली विधानसभा से विधायक बने और फिर लगातार 5 बार विधानसभा के लिए चुने जाते रहे। 1951 में उन्हें स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर और 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद की कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाया गया। लेकिन 1967 आने तक कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ मतभेद के चलते चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। 16 विधायकों को अपने साथ लेकर चरण सिंह ने जन कांग्रेस नाम का अपना एक अलग गुट बनाया और आगे चलकर विपक्षी नेताओं के बनाए संयुक्त विधायक दल के गठबंधन में शामिल हुए। चरण सिंह की अगुवाई में संयुक्त विधायक दल ने 1967 में यूपी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। उस वक्त चरण सिंह को राज नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता, जनसंघ और कम्युनिस्ट जैसी पार्टियों का साथ मिला। इसी साल 3 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन एक साल बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगले साल 1968 में चरण सिंह ने कुछ भरोसेमंद नेताओं को साथ लेकर भारतीय क्रांति दल नाम से एक नई पार्टी बनाई और 1969 में यूपी में हुए मध्यावर्ती चुनाव में हिस्सा लिया। चरण सिंह चुनाव जीते और फरवरी 1970 में दूसरी बार यूपी के सीएम बने। इस बार कांग्रेस के समर्थन से यूपी में सरकार बनी थी, मगर फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। चौधरी साहब को अभी सीएम बने हुए कुछ महीने ही हुए थे कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और फिर देश में इमरजेंसी लग गई। इन सब वजहों से चरण सिंह 1977 तक यूपी में विपक्ष के नेता बनकर रहे। इस बीच 1974 में चरण सिंह ने तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट किया और भारतीय लोकदल की नींव रखी। ये वो दौर था इमरजेंसी के बाद जब दिल्ली की हवा तेजी से बदल गई थी। चरण सिंह अब यूपी से निकलकर दिल्ली की तरफ रुख करना चाहते थे। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन देश के लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि देश पर जबरदस्ती इमरजेंसी थोपने वाली इंदिरा गांधी ही थी। विपक्ष के सैकड़ों नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया था। खुद चौधरी चरण सिंह भी एक दिन के लिए जेल गए थे। इसका नतीजा ये रहा कि 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई। उस ऐतिहासिक चुनाव के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इस चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव निशान हलधर किसान था, वही निशान था जो चरण सिंह की पार्टी बीकेडी का भी था। चुनाव के बाद महामंथन हुआ और मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। चौधरी चरण सिंह उनकी सरकार में गृह मंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार करवाया था, लेकिन बाद में मुरारजी देसाई से मतभेद होने के बाद चरण सिंह ने जनता पार्टी छोड़ दी और लोकदल नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली।
इसका चुनाव चिन्ह था दो बैल और हल से खेत जोता हुआ किसान। वक्त आगे बढ़ा तो चरण सिंह और कांग्रेस के बीच की दूरियां कम होने लगी। विवादों के चलते मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों के समर्थन से चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी और वो देश के पांचवें प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपना बदला लेने के लिए चरण सिंह की सरकार बनवाई थी और फिर मौका देखते ही अपना समर्थन वापस लिया और उनकी सरकार गिरा दी। दरअसल सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 20 अगस्त तक का वक्त दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि सरकारों में मंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने कई ऐसे काम किए थे जिससे उनकी छवि किसान नेता की बन गई थी। लोग उन्हें किसानों का अंबेडकर कहने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि अगर चौधरी चरण सिंह पीएम रहते हुए संसद तक पहुंचे होते तो आज किसानों की हालत काफी बेहतर होती। चलिए बात करते हैं यूपी की सियासत में चौधरी साहब की दूसरी पीढ़ी की, जिसका नाम था अजीत सिंह। बढ़ती उम्र के साथ चौधरी चरण सिंह की सेहत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने IIT पास अपने बेटे अजीत सिंह को राजनीति में बुला लिया। अजीत सिंह भी देश लौटने के बाद राजनीति में अच्छे से एक्टिव हो गए, लेकिन बताया जाता है कि वो अपने बेटे को राजनीति में कभी लाना नहीं चाहते। चौधरी चरण सिंह के करीबी डॉक्टर KS राणा ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार मथुरा के डैम्पियर नगर में पब्लिक मीटिंग हो रही थी। चरण सिंह मंच पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, जो लोग गांव और किसानों को जानते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, उन्हें ही सियासत में आना चाहिए। लेकिन राजीव गांधी ने तो जहाज उड़ाए, वो विदेश में पढ़े हैं। मेरा बेटा अजीत भी विदेश में पढ़ा है। ऐसे लोगों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनके इसी भाषण के कुछ समय बाद 1984 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले टिकटों की आवंटन की लिस्ट मुलायम सिंह यादव पर गई। मथुरा का नाम आते ही अजीत सिंह का नाम बोला गया। इस पर चौंकते हुए चरण सिंह ने कहा कि ये कौन है? तब चौधरी देवीलाल ने कहा, ये तुम्हारा छोरा है। ये सुनते ही चरण सिंह ने मुलायम सिंह को डांटते हुए कहा, तू तो मेरे से राजनीति सीख रहा है, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तू कैसे परिवारवाद की बात कर सकता है? बस ये बात बोलकर वो गुस्से में मीटिंग छोड़कर चले गए। इसी वजह से कहा जाता है कि चौधरी साहब ने राजनीति में एंट्री करने पर अपने बेटे अजीत सिंह को भी विरोध किया था। जब आखिरी वक्त में बीमारी के चलते चौधरी चरण सिंह बेहोशी में थे तो उस वक्त ही पहली बार अजीत सिंह राज्यसभा के सांसद बने और वहीं से चरण सिंह की दूसरी पीढ़ी की सियासत में एंट्री हुई। यहाँ अजीत सिंह की राजनीति में एंट्री हुई और वहाँ अगले ही साल 1987 में चौधरी चरण सिंह ने आखिरी सांस ली। उनके जाते ही लोकदल की राजनीतिक विरासत को लेकर घमासान शुरू हो गई। ये लड़ाई चौधरी साहब के बेटे अजीत और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हिमवती नंदन बहुगुड़ा के बीच थी। दोनों ही चरण सिंह की बनाई पार्टी पर अपना कब्जा चाहते थे, लेकिन पार्टी के कर्पूरी ठाकुर, नाथूराम, देवीलाल जैसे नेताओं समेत विपक्ष के नेता रहे मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि लोकदल का कंट्रोल बहुगुणा के हाथ में रहे। अजीत सिंह अकेले पड़ गए और चुनाव आयोग ने भी ऐसे में उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक अजीत सिंह अपने पिता चरण सिंह की संपत्ति के वारिस तो हो सकते थे, लेकिन पार्टी की विरासत उन्हें नहीं मिल सकती थी। मगर वो भी कहा चुप बैठने वाले। अजीत सिंह ने लोक दल के विधायकों की बैठक बुलाई और इस बैठक में मुलायम सिंह को पार्टी के विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। अब पार्टी की जरूरत तो अजीत सिंह को भी थी, लिहाजा उन्होंने लोक नायक JP नारायण के जन्मदिन वाले दिन एक नई पार्टी बनाई और नाम रखा जनता दल। इसके बाद जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल, सोशलिस्ट कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां इसमें शामिल हो गई। अजीत सिंह को इस नए मोर्चे का महासचिव चुना गया और इसके अगले ही साल 1979 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और सारे कांग्रेस विरोधी गुट एक साथ हो। उस वक्त यूपी में 425 विधानसभा सीटें होती थी। तब जनता दल 356 सीटों पर चुनाव लड़ी और 208 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस 410 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 94 सीटें मिली। केंद्र में VP सिंह की सरकार बन गई थी। अजीत सिंह को CM और मुलायम को डिप्टी CM बनाना चाहते थे, लेकिन यादव जी को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू किया तो चंद्रशेखर सिंह उनके समर्थन में आ गए। मुलायम अपनी जिद पर अड़े रहे।
दावा किया जाता है कि देवीलाल, मुलायम सिंह और अजीत सिंह के एक साथ आने से वीपी सिंह को चुनौती मिल सकती है। इसलिए वीपी ने इन्हें तोड़ने के लिए अजीत सिंह को सीएम बनाने का सपना दिखाया था। अजीत सिंह से कहा गया कि चौधरी साहब भी पहले सीएम बने थे फिर पीएम। इन्हीं सब लोगों ने मुलायम सिंह की पीठ पर भी हाथ रखा हुआ था, लेकिन अजीत सिंह उन सब सियासी चालों को समझ ही नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ मुलायम को समझाने के लिए दिल्ली से 3 पर्यवेक्षक लखनऊ भेजे गए, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार तय हुआ कि सभी विधायक वोट करेंगे और जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही यूपी का सीएम बनेगा। लेकिन मुलायम की सियासी चालों के आगे पिता चरण सिंह से मिला गठजोड़ का हुनर अजीत के काम नहीं आ पाया। बाहुबली डीपी सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम के पक्ष में विधायकों का नंबर बढ़ा दिया और 5 वोटों के अंतर से अजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। इस तरह मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बन गए। अब अजीत सिंह को भी मनाना था। इसके लिए बतौर कंपनसेशन वीपी सिंह उन्हें केंद्र में लाए और अपनी सरकार में केंद्रीय उद्योग मंत्री बनाए। इसके बाद साल 1999 में अजीत सिंह ने लोक दल के नेताओं को साथ लेकर राष्ट्रीय लोक दल की नींव रखी। आरएलडी को चुनाव निशान मिला हैंडपंप। जुलाई 2001 के आम चुनावों में आरएलडी ने पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। अजीत सिंह चुनाव जीते और अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। वहीं यूपी में मायावती की सरकार बनाने के लिए अजीत सिंह ने आरएलडी को बीजेपी और बसपा गठबंधन में शामिल कर लिया, लेकिन जल्द ही इन पार्टियों का मोह भंग हो गया और 2003 आते ही तीनों ने अपनी अलग राह चुनी। इससे मायावती की सरकार गई। अब मुलायम ने आरएलडी को साथ मिलाकर मौके पे चौका मारा और अपनी सरकार बना ली। अजीत और मुलायम की जुगलबंदी 2007 तक साथ चली। अब साल 2009 के लोकसभा चुनाव आए तो अजीत सिंह जाकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अजीत सिंह एक बार फिर सांसद बने, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने फिर पलटी मार दी। अब वो 2011 में कांग्रेस की यूपीए सरकार में शामिल हुए। यूपीए सरकार में भी अजीत सिंह को मंत्री बनाया गया और वो 2014 के लोकसभा चुनाव तक मंत्री रहे। अब बारी आती है चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी की सियासत में आने की। चौधरी अजीत सिंह ने 80 साल की उम्र में कदम रखते ही चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया, लेकिन कहा कि पार्टी की राजनीति में वो एक्टिव है। इस पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब आरएलडी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, जयंत अभी राजनीति सीख रहा है, ये तो समय बताएगा कि वो राजनीति में अपने लिए कितनी जगह बना पाता है। इसका मतलब उनका इशारा साफ था, पार्टी उनके परिवार के हाथों में रहने वाली। इस घटना के 2 साल बाद मई 2021 में चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया और उसी महीने जयंत चौधरी आरएलडी का अध्यक्ष चुन लिए गए। जयंत सिंह भी पिता की तरह ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी करके राजनीति में आए। 2009 में जयंत ने मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन उसके बाद मोदी लहर के चलते जयंत 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए और तब से ही हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहे। एक बार तो उन्होंने बीजेपी को जूतिया पार्टी तक कह दिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जयंत को 7 चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा कर सपा के साथ चुनाव लड़ा और हार गए। 2022 में भी योगी को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी की सरकार बनी। अब 2 साल बाद यानी कि फरवरी 2024 में जब केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो जयंत सिंह ने ट्वीट कर लिखा, वाह दिल जीत लिया। और फिर उन्होंने सपा का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने का मन बना लिया। जयंत सिंह अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी का राजनीतिक भविष्य क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि यूपी की सत्ता में चौधरी परिवार का हमेशा बोलबाला रहेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।